अक्षय कुमार की केसरी की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म की सफलता को देखते हुए एक्टर अक्षय कुमार ने केसरी के डायरेक्टर अनुराग सिंह के साथ एक और फिल्म साइन कर ली है। एक ट्रेड एनालिस्ट ने बताया कि फिल्म की कमाई शानदार होगी। होली के दिन किसी भी मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में मॉर्निंग का कोई भी शो नहीं था। बावजूद इसके फिल्म ने 21 करोड़ का बिजनेस किया और इस दिन फ्राइडे भी नहीं था। फिल्म में बहुत सारी देशभक्ति दिखाई गई है जो ऑडियंस को सीधा प्रभावित करती है। इस सफलता को देखते हुए अक्षय कुमार ने अनुराग सिंह के साथ काम करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है और अगली फिल्म भी रियल लाइफ और सच्ची घटना पर आधारित होगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगली फिल्म भी 80 के दशक में हुई एक बड़ी घटना पर आधारित होगी। फिल्म की कहानी 80 मडोरा लिख रहे हैं, जिन्होंने टीवी सीरीज 21 सरफरोश सारागढ़ी 1897 लिखी थी और इसमें मोहित रैना लीड रोल में थे। अनुराग सिंह की अगली फिल्म 2020 में रिलीज होगी। वहीं आपको बता दें, करण जौहर की ये पहली फिल्म जिसने ओपनिंग डे में इतना ज्यादा कमाई की। डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर की किसी भी फिल्म ने पहले दिन अभी तक इतनी कमाई नहीं की थी। फिल्म केसरी में दर्शकों को ईश्वर सिंह के किरदार में अक्षय कुमार काफी पसंद आ रहे हैं। डायरेक्टर अनुराग सिंह इससे पहले रकीब और पंजाबी में कुछ हिट फिल्म बना चुके हैं। केसरी हिंदी में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और वो अपने काम के साथ पूरा न्याय करते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार की मूवी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करें।